हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए 2022 का जुलाई माह कैसा जाएगा, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, मान सम्मान कैसा मिलेगा आपको, स्नेह कितना मिलेगा, धन की क्या स्थिति है, बैंक में पैसे जमा कर पाएंगे क्या, कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, बंधु बांधवों से क्या आपका संबंध रहेगा, स्नेह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भूमि भवन वाहन के बारे में क्या खास बातें हैं, संतान प्रगतिशील है, प्रेम मिलेगा क्या, दाम्पत्य जीवन में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इसकी बात करेंगे, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा और कर्म पथ पे विस्तार होगा क्या, पैसे कहाँ कमा रहे हो, पैसे खर्च कहाँ कर रहे हो, इसकी वार्ता करेंगे। तो वार्ता स्टार्ट करें इसके पहले विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे 88% लोग 84% लोग ऐसे देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया सब्सक्राइब करो महाराज। एक वर्ड होता है कृतज्ञ, एक वर्ड होता है कृतघ्न, कृतज्ञता बहुत जरूरी है जी। तो मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि गुरु की लगन गुरु की राशि है। अब मीन जो लगन मीन राशि चलेगी, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती तीन नक्षत्रों की रश्मि को लेकर यह राशि या लग्न खड़ा हुआ है। और जब आप स्टार्ट कर चुके हैं तो अप्रैल से ही गुरु महाराज लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, 12 साल के बाद आए हुए हैं, तो सब कुछ देकर जाने के लिए कृत संकल्प हैं। आपको मान सम्मान मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, नौकरी व्यवसाय देंगे, तो गुरु यहाँ पे सब कुछ आपको देकर जाने के लिए है, बस आवश्यकता है कर्म करने की। शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं वर्तमान में, और शनि आपकी कुंडली में लाभेश हैं और व्ययेश हैं, तो लाभ भी होगा लेकिन मूल त्रिकोण राशि व्यय में है, तो व्यय करने से लाभ होगा। तो सही जगह श्रम करिए, सही जगह व्यय करिए, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। क्लियर सा डायरेक्शन आपके नक्षत्र आपको बता रहे हैं। गुरु कहाँ चल रहे हैं, गुरु चल रहे हैं शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, अतः आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले कुंभ राशि कहाँ है, व्यय भाव में, उसके बाद फिर कहाँ है, एकादश भाव में, तो थोड़ा सा व्यय करिए, किसका, पराक्रम का, बुद्धि का, आपको लाभ हो जाएगा। सेकंड हाउस में मंगल महाराज चल रहे हैं, राहु महाराज यहीं पे विद्यमान है। राहु अभी सूर्य का प्रभाव लेके चल रहे थे, तो परिवार में बेवजह जो है तनातनी थी, आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो गई है, वे आप टॉकिंग आपकी खराब हो रही है, जल्दबाजी में आप बोल जाते हैं, बाद में बोलते हैं मैं प्रेम करता हूँ इसलिए बोलता हूँ। ऐसा कैसा प्रेम जी जो लोगों के हृदय को छलनी कह दे, इससे अच्छा प्रेम मत करो। अगर आपका प्रेम आपको कड़वा बुलवाता है तो आप प्रेम ही मत करो, नहीं नहीं चाहिए लोगों को प्रेम। मंगल महाराज यहीं पे आ गए हैं तो वाणी और कड़वी हो जाएगी। एक स्पीकर ऑलरेडी खराब था, दूसरा भी वहां पे आ गया, एक स्पीकर और जो कि वाणी को और खराब कर रहा है, तो वाणी पे विशेष संयम रखें। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, और मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। याद रखिएगा, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, बात से ही पुरस्कार में हाथी मिल जाती है और बात से ही हाथी के पाँव के नीचे दबा दिया जाता है। राहु जुलाई में सेकंड वीक में शुक्र का प्रभाव लेकर चलेगा, और शुक्र आपकी कुंडली में तृतीयेश है, अष्टमेश है, अतः अचानक धनहानि होगी। क्या होगी, अचानक धनहानि, मुख संबंधी विकार हो जाएंगे, परिवार में बिखराव हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, और जब समझोगे तो संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में यद्यपि भाग्येश है, क्या है, यद्यपि भाग्येश है लेकिन अपने से छठवें हैं, याद रखिएगा, पॉइंट पॉइंट जाइए। मंगल चलेंगे किस में, अश्विनी में चलेंगे, तो अश्विनी में मंगल केतु जैसा फल देंगे। अब केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं ये देख लीजिएगा, वर्तमान में केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो नुकसान करेंगे, जीवन साथी के धन से, ससुराल से आपको अलग कर देंगे। अब आप कितने प्यार से वाणी बोलोगे तो कौन आपके साथ रहेगा महाराज, इसलिए वे आप टॉकिंग को विशेष ध्यान दें, सावधानी आवश्यक है। अच्छा, राहु यहाँ पे जब जैसे चलेंगे कृतिका से भरणी में, तो इस तरह की परेशानी देंगे, उसके बाद जब आएंगे अश्विनी में आएंगे, अश्विनी में तभी आ नहीं रहे, बहुत दिन बाद आएंगे, तब भी आपको परेशानी देंगे। मंगल अश्विनी से स्टार्ट करेंगे, तेजी से भगाएंगे, भरणी में जाएंगे, तो धन के लिए बंधु बांधुओं के लिए, बंधु बांधुओं से धन के लिए संघर्ष होगा। कृतिका में जाएंगे तो शत्रु पे आप प्रभावी रहेंगे, ये आपको कृतिका में होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बैठे हुए, थर्ड हाउस का शुक्र जो है बेवजह भ्रमण कराता है, ठीक है ना, गली के दो चक्कर मरवाता है, सब्जी नहीं चाहिए फिर भी आप गाड़ी उठाओगे, दो चक्कर मार के आओगे, शुक्र जो है अट्रैक्ट करता है गली का चक्कर मारने के लिए, तो बेवजह आप ना घूमें, मैं आपको ये सलाह दूंगा, बकाया आपका ग्रह कैसे घुमा रहा है ये आप देख लीजिए।
तो यहाँ पे गली के चक्कर मारते हो, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है तो वो आपको नुकसान कर देगी। इसलिए मेरा सलाह है, प्रेम मिलेगा, रोमांस मिलेगा, मित्रों के साथ दूर की यात्रा, मित्रों के साथ पार्टी यहाँ पे आपके लिए बनती है। बुध महाराज आपके भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं और स्वग्रही हो गए हैं, तो घर के कार्य आप कर पाएंगे। लेकिन घर में अगर कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं 15 जुलाई तक, तो वहाँ पे निश्चित रूप से किचकिच हो जाएगी, निश्चित रूप से किचकिच होने की संभावना है। कारण कारण कि सूर्यदेव महाराज जो है ना कष्टम भाव का प्रभाव लेके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, तो ज़्यादातर चांस ये है कि आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ के बीच में तनातनी हो जाएगी, ज़्यादा यही परेशानी बन रही है। तो अपने माँ और बच्चों की माँ के बीच सामंजस्य बनाए। भाई देखिए, वही विवेकशील प्राणी है जो दोनों के बीच सामंजस्य बना ले, ठीक, दोनों माँ ठीक तो आपका परिवार ठीक, आप खुश, आप तो खुश ही हो जाएंगे। सामंजस्य वही बनाना है। जो महिला वर्ग है उनके लिए भी ये है कि आप अपने पति और अपने ससुर के बीच सामंजस्य को क्रिएट करके रखें, बच्चों को लेके तनातनी ना होने पाए, ये आपका उत्तरदायित्व है। पंचम भाव के चंद्रमा है, आपको प्रेम मिल रहा है और स्नेह मिल रहा है, एजुकेशन भी आपके ठीक होती हुई प्रतीत हो रही है। दाम्पत्य जीवन की अगर वो बढ़ना चाहते हैं तो समय दाम्पत्य जीवन के लिए है। जैसे बुध महाराज गोचर करेंगे कर्क में, बुध महाराज गोचर कर रहे हैं 17 जुलाई के बाद, तो 18 जुलाई से आपके प्रेम के पंख जो है निकलेंगे, प्रेम के बीज अंकुरित होंगे। तो अगर आपने अभी तक प्रेम नहीं किया तो यहाँ पे प्रेम के अवसर मिलेंगे। प्रेम में है आप, उसको घर वालों के सामने लाना चाहते हैं तो आप घर वालों के सामने ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लव मैरिज के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि भारतवर्ष में जुलाई में शादियों का मौसम खत्म हो जाता है धीरे से, फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। केतु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा तकलीफ देंगे, उदर विकार, उदर कष्ट, और उदर कष्ट है अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पाइल्स की ओर धीरे से बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, पाइल्स की बीमारी की ओर धीरे धीरे चरवेद आप बढ़ते जा रहे हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य का स्वामी यद्यपि अपने से कष्टम है लेकिन बोलता है संघर्ष करो, भाग्य मैं खोल दूंगा। भाग्य के कपाट संघर्ष के माध्यम से खुलेंगे, बिना संघर्ष के तो कुछ मिलेगा नहीं जी। कर्म भाव का स्वामी अपने चतुर्थ बैठा हुआ है, यद्यपि शनि की राशि में फिर भी लाभ देगा आपको, संघर्ष के बाद लाभ देगा। लाभेश व्यभाव में है किंतु लाभ भाव में वापस आ रहे हैं, तो लाभ की मात्रा आपको बराबर होना शुरू होगी। जब लाभ के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे उन मार्गों को शनि पुनः खोलने के लिए आ रहा है। तो ये था मीन लगन मीन राशि जुलाई माह, तो बेहतर आपके लिए अवसर है जहाँ पे आप घर के संबंधित कार्य कर सकते हैं, चक्कर भी लगा सकते हैं, वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो धन भी कमा सकते हैं और धन को बैंक में भी जमा कर सकते हैं। तो राहु का उपाय करें, हनुमान जी के लिए सिंदूर दान करें और स्वतः के लिए, स्वतः के कल्याण के लिए, स्वतः के स्वास्थ्य के लिए पीले कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में 3 जगह लगा के रखें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। चलिए परमात्मा सबका मंगल करें, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।